जय अम्बे मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। ये रियलमी X2 Pro, ओके। इसमें पूरा ये डिस्प्ले डैमेज है, ये नया डिस्प्ले है जो हमें डालना है। अभी सो ग्लास है, ये ग्लास को कैसे निकालते हैं और बिना तोड़े कैसे निकालना है वो चीज़, और बिना नुकसान किए कैसे निकालना है। हल्का सा ये पत्ता अंदर जाना चाहिए और हो सके तो ज़्यादा चीज़ नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ऑन ऑफ का बेल्ट जिस साइड से होगा वो कट जाएगा। हो सके तो लिक्विड का यूज़ करो, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल स्प्रे लिक्विड। तो जो आपका ग्लास है इजीली निकलने वाला वो नॉर्मली निकल जाएगा। स्प्रे मारने से क्या होता है, कोई चीज़ डैमेज नहीं होती है, और जो हार्ड चीज़ है जैसे निकालने वाली वो इजीली निकल जाती है। प्लस देख सकते हो लिक्विड की वजह से बहुत ही इजीली निकल गया है, और जो नया बंदा होगा वो इजीली तोड़ भी देता है इसको। अब देख सकते हो एक साइड से पूरा निकल गया, क्यों? लिक्विड की मदद से। लिक्विड बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लिक्विड क्या काम करता है, जो भी गम रहता है उसको इजीली ये बहुत ज़्यादा गम था यहाँ पे, इसलिए डैमेज हो गया। देख सकते हो निकालते समय ही डैमेज हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कंपनी का फिटिंग था इसलिए डैमेज हुआ, बाकी डैमेज नहीं होता है। ओके, इसको रखते साइड में। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरीके से नट ओपन हो रहा है हर जगह से, और जहाँ नहीं होता है वहाँ भी हम लॉक निकाल के आराम से उसको रिमूव करने जा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज ना हो जो रह जाए। सावधानी क्या रखनी होती है कि कोई नट बच ना जाए, अगर नट बच जाएगा तो जो भी अपना काम है वो दिक्कत वाला हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है, पूरी तरीके से पूरा काम और परफेक्ट काम करना है, ना ही उतावल में करना है ना कुछ करना है। अब देख सकते हो एक दो नट यहाँ है, और ये देख रहे हो आप सील है, यानी कि लॉक। तो इसे हल्का सा उठाना है ऐसे, और ऊपर के साइड से पूरा मेडल अपने हाथ में आ जाएगा। ये ऑलरेडी किसी ने खोला है और गम भी बहुत ज़्यादा मारा है, देख सकते हो।
ओके, जितने नट हैं सबको साइड में करो। अब इसके अलावा बैटरी को डिस्कनेक्ट करो। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद ही नीचे का जो भी भाग होगा उसको खोलना होगा, रिंगर वाला भाग बोलते हैं इसको, जो रिंगर बचता है। ऑलरेडी किसी ने बैक पैनल चेंज किया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कंपनी की ऐसी फिटिंग नहीं आती है, बैक टूटा होगा तो अगले ने चेंज करवाया था, और जिसने भी चेंज करवाया था चेंज करवाने के बाद कॉपी बैग डाला हुआ है, इसलिए तो जल्दी गया। गम है, गम रिमूव करने में थोड़ा सा समय लगता है, गम रिमूव करने के बाद ही ये सब काम करना होता है, और आटा देखना होता है कि सब निकल गया या नहीं निकला। जैसे कि ये रिंगर की डब्बी है, इसको अलग कर दिया है। रिंगर की डब्बी को अलग करने के बाद ये जो नट वगैरह होता है इनको सबको साइड में करना होगा, और सब नट को एक साइड करके फिर अपने उसको काम करेंगे। इसका एक्स्ट्रा बैटरी, एक सपोर्टिंग बैटरी भी होती है इसमें, ये वाली जो चार्जिंग और उसको सपोर्ट करती है, डबल बेल्ट आता है। और उसके अलावा आप देख सकते हो जो डिस्प्ले का बेल्ट है वो कहाँ से और ये बैटरी को कैसे निकाला जाएगा, ये सब चीज़ अपने को बताया जाएगा लाइव। यानी कि हमें अगर ये बैटरी निकालनी है तो ऐसे आप देख सकते हो डबल बैटरी आती है इसमें पैकिंग के साथ, सबको हमें रिमूव करना होगा। और ऐसे कभी आपने ऐसे बैटरी नहीं देखी होगी, आप देख सकते हो 2-in-1, पहली बार ऐसा चीज़ देखने को मिला होगा कि दोनों साइड उसके पॉइंट हो गए प्लस या माइनस। और निकालते समय अपनी वीडियो बना ही लिया होगा कि प्लस का था माइनस का था। ओके, अब इसको हम रखते साइड में। सबसे बड़ी बात क्या है, अब डिस्प्ले को देखना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्ले का जो बेल्ट है वो कैसे और किस हिसाब से उसको सपोर्ट करेगा। जैसे कि समझ लो हमने ऐसे डाल दिया है, जो डिस्प्ले का बेल्ट होगा वो ये यहाँ से एंटर होगा और यहाँ लगेगा। इसके चलते क्या होता है, कोई दूसरा चीज़ नुकसान ना हो जाए। और इसको खोलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम करना ही बड़ी बात है। उतावल में हर कोई काम करता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करना बहुत ही सही है। आप देख सकते हो हमने इस पेपर को भी निकाल दिया है कि दोबारा जो भी बंदा काम करेगा वो स्टेप बाय स्टेप काम करेगा और उसको कोई दूसरी चीज़ परेशान ना करे। बराबर, ये डिस्प्ले का बेल्ट है, इसको भी हम आराम से निकालेंगे, लॉक में से रिमूव करेंगे और यहाँ से इजीली बाहर आ जाएगा।
आप देख सकते हो डिस्प्ले हम रिमूव कर चुके हैं और ये डिस्प्ले 100% ओरिजिनल है और ये कई से डैमेज। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और बैटरी के जो भी पॉइंट होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं, वो भी बताना ज़रूरी है। नीचे वाला आप देख सकते हो कोई मूवमेंट नहीं है डिस्प्ले में, ये जूनी वाली डिस्प्ले। ओके, हम इसकी की जगह पे अब नए डिस्प्ले को इंस्टॉल करेंगे और उसमें कुछ मूवमेंट है कि नहीं। ओके, आप देख सकते हो ये ओके। अब हम इसको फिर से ऑन करेंगे। यानी कि इससे ये जानकारी मिली है, भले ये AMOLED है, डैमेज नहीं हुई है, लेकिन लिक्विड प्रॉब्लम में ऐसा कोई इश्यूज है जिसकी वजह से वो AMOLED डैमेज हो गई है और ये कम्प्लीटली, यानी कि हम अभी इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई इश्यूज नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऊपर से इसको चेक कर लेंगे और एक बार मूवमेंट भी कर लेते हैं कि कैसे यूज़ होगा, कैसे चेक होगा। ओके, पासवर्ड बताया था बंदे ने कुछ 58 58 58 58 85 85 85। मैं थोड़ी दुविधाएं थी, हमने निकाल दी और देख सकते हो आप रिज़ल्ट भी सही है, कोई गलत रिज़ल्ट नहीं है और कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम्स जैसा कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके, हम इसको एक बार और बताएं कि कभी भी चालू में बैटरी का पॉइंट मत निकालिए, न तो AMOLED में क्या होता है, जो बैकग्राउंड में लाइट होता है वो हमेशा उड़ जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। ओके, जैसे कि आपने देखा हमने पूरी प्रोसेस चेक करने की जो होती है वो आपको डिटेल में बता दी है, अब इसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो दिखा देंगे। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो डिटेल में बताएगा। सबसे पहले तो क्या होगा, डिस्प्ले का बेल्ट लगाना होगा और इसको ज़्यादा तो कुछ है नहीं, साफ करने जैसा तो हो जाएगा। पहले फिंगर चेक करें के लगा दें, जैसे कि आप देख रहे हो नॉर्मली गम लगाना होता है। ओके, यहाँ थोड़ा झोल है, कम ज़्यादा गम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गम है उसको रिमूव करना पड़ेगा।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गम में क्या होगा, ये चीज को हम हमेशा के लिए रिमूव करेंगे। आपको बता दें जो अगर एक्स्ट्रा गम है जो डिस्प्ले को चीज पकड़ के रखने वाली है उसको हम पहले से ही हटा देंगे। जो भी हमारा डिस्प्ले लगेगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा गम नहीं लगेगा। ओके अब आपको दिखा दे कि ये जो डिस्प्ले है ये एमओएलईडी है और इसको ऐसे ज़्यादा हो गया, वो बैकग्राउंड ही पूरा बाहर आ गया। ये प्लास्टिक की थैली है जो रिमूव करनी होगी और थिकनेस उसकी कम हो जाएगी। थिकनेस कम होगी तभी वो फिटिंग परफेक्टली आएगा, थिकनेस कम नहीं होगी तो वो हल्का सा ऊपर रहेगा। ओके देखो, और फिंगर के ऊपर एक लेयर आता है वो नहीं है, अगर वो होता है लगाने के बाद फिंगर में इश्यूज आते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको बड़ी ध्यान रखनी होगी खास करके फिटिंग करते समय। आप देख सकते हो हमने इसको अपनी लेवल पे परफेक्टली बिठा दिया है और कहीं से उठा भी नहीं है कि हमें इसको कोई और दिक्कत आ सके, परफेक्ट बिठा दिया है। और यहाँ से आप देख सकते हो हमेशा कनेक्टर है, अब हम इसमें डिस्प्ले और बैटरी जैसे इसको आराम से हमने यहाँ से मोड़ा है और क्वालिटी एक नंबर है, कोई इसमें इश्यूज नहीं है कि भाई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ होगी, कंप्रोमाइज़ करने जैसे काम ही नहीं हमने रखा ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो फिटिंग आती है वो जेन्यूल करनी ही पड़ती है। अगर आप फिटिंग में कुछ भी लोचा मारते हो या फिर आगे पीछे होता है तो ये फिटनेस नहीं आएगी। हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि आपकी सावधानी ही बड़ी बात है। और अगर नया बंदा हो तो हमारे वीडियो देख सकता है, उस हिसाब से फिटिंग भी कर सकता है अगर नॉलेज नहीं हो तो। अगर नॉलेज है तो अच्छे से जैसे खोला जाए उसको ध्यान में रखो, उस हिसाब से ही काम करना है। आप देख सकते हो चार्जिंग का खाली बेल्ट है ओनली वन, और इसमें सपोर्टिंग केबल है। और ये जो दूसरा पॉइंट है बैटरी का, आपने ये चीज़ हमेशा नोटिस की होगी कि बैटरी के दो दो पॉइंट कभी नहीं होते हैं, और यह पहली बार ऐसा कोई मोबाइल होगा जिसमें दो दो पॉइंट हो गए बैटरी के। तो उसके खांचे में उसको बिठाना ही पड़ेगा आपको, अगर नहीं बिठाओगे जो फिनिशिंग आपको आने वाली थी वो नहीं आएगी। ओके अब इसमें आपको क्या सीखने को मिला कि बैटरी के दो पॉइंट भी हो सकते हैं, प्लस दो बैटरी आपस में जुड़ के कंबाइंड भी हो सकती है, और बैटरी अगर काम नहीं करे, ये पॉइंट अगर नहीं होता है तो चार्जिंग को बाईपास भी कर सकता है, इस पॉइंट से बाईपास कर सकता है कि इसमें इन और आउट दो चीज़ें दी हैं। जैसे कि पहले क्या था कि सेंट्रल बेल्ट दिया जाता कि यहाँ से ऊपर पावर ले जाए, उसके साथ साथ सेंट्रल बेल्ट के साथ साथ ये बैटरी के दो पॉइंट इसलिए दिए हैं, ये नहीं तो ये अमुक जैसे कि सेल अपने होते हैं ना कि भाई मोबाइल में तो बैटरी ही नहीं काम कैसे करता है, तो ये बैटरी का जो दूसरा पॉइंट है वो तब काम करता है कि जब ये मेन पॉइंट डिसकनेक्ट हो जाए। अगर जिसे नॉलेज है वो तुरंत बता देगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या सॉल्यूशन उसका लाना होगा। ओके समझ गए हो। अब इसको फिटिंग करने का फिर से ट्राई करते हैं। ऑलरेडी किसी ने इस मोबाइल को खोला था और देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रमाण में गम लगा दिया है, इसीलिए अपने नट खुलने के बाद भी मिडल रीओपन नहीं हो रही थी, और अगले ने क्या काम किया है वो नहीं पता, लेकिन इसमें जो बैक ग्लास है वो कॉपी है, किसी ने बदला हुआ है। बदला इसलिए है कि अगले से टूट गया होगा या कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, तो हमें तो अपना काम सफाई से ही काम करना है, इसलिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गम है उसको हम निकाल ही लेंगे, उसके बाद ही इसको रीफिटिंग करेंगे। देख सकते हो आप रिंगर की डब्बी है, प्रॉपरली फिटिंग करनी है, ये लॉक इसमें बैठना चाहिए,
अगर लॉक में नहीं बैठेगा तो फिटिंग नहीं होगी, ध्यान में रखना हमेशा, दोनों लॉक में नहीं बैठेगा तो फिटिंग होगी ही नहीं। आप देख सकते हो हमने इजीली उसको फिटिंग कर दिया है, और ये जो दूसरा भाग है तो इसको भी फिटिंग कर दिया है। ओके, और जैसे कि आप देख रहे होगे, हम इसको एक बार थोड़ा सा नॉर्मली फिटिंग करने के बाद एक बार डिस्प्ले को परफेक्टली चेक कर लेंगे कि और कोई इश्यूज तो नहीं है, नहीं तो बार बार एक ही चीज़ को खोलना पड़ेगा। मैंने बनवाया। आप देख सकते हो जैसे उसमें लॉक थे वैसे इसमें भी लॉक है। ये ऊपर के भाग में जो होता है, जैसे कि अपने ये मिडल जो है वो ऐसे डालते हैं, तो इस हिसाब से इसको डालना होगा ऐसे ऐसे। अगर नहीं डाल पाओगे तो ये जो लॉक है साइड वाले वो नहीं लग पाएगी और फिटिंग सही से नहीं आएगी। ओके, जैसे कि आपको बता दूँ कि ये लॉक बहुत ही अच्छी ढंग से लग चुके हैं, जिस हिसाब से बताना था उस हिसाब से हमने बता भी दिया है कि लॉक लॉक महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें। लॉक जैसे लगाओगे उस हिसाब से काम भी होगा। एक काम करती है, अभी इसको चेक कर लेते हैं एक बार, फिंगर सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, डिस्प्ले ऑलरेडी आ चुकी है, आप देख सकते हो ये हमने लॉक खोल दिया है। अब सेटिंग में जाके प्रॉपरली हम उसको चेक करेंगे। फिंगर एड टू फिंगर, ओके, आप देख सकते हो अब इसको लॉक लगाना है और लॉक नहीं खोलना है, फिंगर से ही लॉक ओपन करना है। सेकंड आप देख रहे हो हमने पूरी तरीके से काम कर दिया है, फिंगर परफेक्ट वर्क करता है और लग भी जाता है, फर्स्ट कॉपी उसी को बोलते हैं कि परफेक्ट काम नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी किसी में तो जो सिलेक्शन होता है फिंगर का वो भी नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे होगे ये जो फ्लैश लाइट है ये ऊपर के साइड में आता है, इसे हम पहले नट लगाएगी उसके बाद ही उसका काम करेगी। पूरी तरीके से फिटिंग होने के बाद ही उसको पूरा फिटिंग कर पाएगी। ये है फिंगर और बैक ग्लास। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरीके से हमने फिटिंग कर दिया है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। ये एमोलेड डिस्प्ले है ऐसी, ओके। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर
किसी को प्रॉब्लम है या कोई चीज़ नहीं आ रही है उसके लिए कमेंट भी कर सकते हो, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। और आपका काम, आज का जो मोबाइल था उसका काम कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट कीजिए। जय हिंद।